हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एई जेई एग्जाम। अभी हम एसएससी जेई एग्जाम का प्रीवियस ईयर का फ्लूड मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो है पार्ट टू डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द पॉइज। पॉइज जो है यूनिट होता है डायनामिक विस्कोसिटी का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, पॉइज या फिर पास्कल सेकेंड। 10 पॉइज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर स्टोक्स। स्टोक्स जो है 10^4 स्टोक्स इक्वल टू होता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टाइप ऑफ फ्लूड इन विच फ्लो एंड फ्लूड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी गिवन लोकेशन इज नॉन एज। इस टाइप के फ्लो जो है प्रॉपर्टी जो है फ्लूड का चेंज जो है नहीं होता है टाइम के साथ एट एनी गिवन लोकेशन, इसे हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। इफ फ्लो इज फ्लो एंड फ्लूड प्रॉपर्टी एट एनी गिवन लोकेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी, अदरवाइज अनस्टेडी। यूनिफॉर्म फ्लो होता है व्हेन वेलोसिटी जो है डज नॉट चेंज विद लोकेशन ओवर अ स्पेसिफाइड रीजन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, फ्लो इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर अ स्पेसिफाइड रीजन द फ्लो इज कॉल्ड। तो फ्लो जो है नॉट चेंज विथ लोकेशन है तो ये जो है यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 kPa। 1 pascal जो है 1 pascal इक्वल टू होता है 1 N/m². तो 1 kPa इक्वल टू हो जाएगा 1000 N/mm², तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगुलर सरफेस इज हैंग्ड इनटू द वाटर सच डैट इट्स टॉप एंड बॉटम पॉइंट्स आर एट डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टली, द डेप्थ ऑफ प्रेशर फ्रॉम द टॉप सरफेस। डेप्थ ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है तो HP इक्वल टू होता है HC प्लस IXX साइन स्क्वायर थीटा बाय HCA। यहाँ पे HC जो है CG ऑफ सरफेस फ्रॉम वाटर सरफेस है, उसके बाद थीटा जो है इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल है, तो HP इक्वल टू हो जाएगा HC जो है 3.75 मीटर आ रहा है 1.5 मीटर और CG जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का होगा 2.25, तो 1.5 प्लस 2.25 जो है 3.75 मीटर आ जाएगा। उसके बाद IXX ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है BDQ बाय 12 होता है, तो B जो है विड्थ जो है इसका दिया नहीं है, तो B इंटू इसका डेप्थ जो है 4.5 मीटर है, तो BDQ 4.5Q बाय 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, बाय HC जो है 3.75 मीटर है इंटू एरिया, एरिया जो है 4.5 इंटू B, इसको सॉल्व करेंगे तो HP जो है ये आ जाएगा 4.2 मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, द डायनामिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज गिवन एज 0.8 पॉइंट जो है डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.9 है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करना है, रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू होता है VD, वी वेलोसिटी है, D जो है डाया है और न्यू जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। न्यू इक्वल टू होता है म्यू बाय रो, म्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी और रो जो है डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है भी दिया हुआ है, वेलोसिटी डाया भी दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो होता है।
तो म्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है पॉइज में 0.8 पॉइज, इसको हम न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करना होगा, 10 पॉइज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो 0.08 इंटू रो जो है डेंसिटी हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इंटू 1000, ये जो है डेंसिटी है वाटर का। इसको सॉल्व करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 13500, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ 200 केपीए इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59 द वैल्यू ऑफ जेड। तो ये जो है जेड निकालना है, हेड निकालना है, पी इक्वल टू होता है प्रेशर जी गामा डब्ल्यू एच, पी जो है दिया हुआ है 200 केपीए, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी दिया है 1.59, गामा डब्ल्यू का वैल्यू होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में 9.81, एच फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो H इक्वल टू 12.82 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन जो है C इसका करेक्ट आंसर होगा। P जो है प्रेशर दिया है 200 kPa, इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि 1 kPa इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड प्रोड्यूस बाय अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.62 इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ 200 kPa, व्हाट इज द हेड प्रोड्यूस बाय द लिक्विड। 19 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए सेम इसी तरह से 20 भी सॉल्व होगा, P इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू एच, 250 प्रेशर दिया हुआ है, 1.62 रिलेटिव डेंसिटी इंटू 9.81 इंटू एच, एच का वैल्यू आ जाएगा 15.73 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड ऑफ द केरोसिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है केरोसिन का 0.8 है इफ द हेड ऑफ वाटर इज 500 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट हेड फाइंड आउट करना है केरोसिन का, तो प्रेशर जो है दोनों को हम इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे, प्रेशर एग्जर्टेड बाय केरोसिन इक्वल टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय केरोसिन हो जाएगा G1 गामा डब्ल्यू एच वन इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर G2 गामा डब्ल्यू एच टू। तो G1 जो है केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया हुआ है और गामा डब्ल्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, H1 इंटू H1 इक्वल टू G2 जो है वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है और H2 का वैल्यू जो है वाटर का दिया है 500 सेंटीमीटर में, इसको सॉल्व करेंगे तो H1 का वैल्यू जो है आ जाएगा 625 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इट इज द पॉइंट वेयर बॉइंट फोर्स एक्ट इट कॉन्साइड्स विथ द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, सी है इट इज द पॉइंट वेयर बॉइंट फोर्स एक्ट एंड इट कॉन्साइड्स विथ द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉइंट फोर्स होता है द रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी बाय स्टेटिक फ्लूड इन विच बॉडी इज सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट होता है वर्टिकली अपवर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इज एट द सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। जैसे ये होलो ट्यूब जो है वाटर में फ्लोट कर रहा है जिसका हाइट जो है टोटल हाइट एच है, तो इसका जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी हो जाएगा, ये जो है एच जो है डेप्थ मान लेते हैं, ये पार्ट जो है होलो ट्यूब का ये जो है वाटर में है, तो इसका जो है सी जी जो है एच बाई टू पे होगा, तो ये बी पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन द वाटर विथ इमर्जिंग डेप्थ इज 0.5 मीटर। इमर्जिंग जो है डेप्थ 0.5 मीटर है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक जो है किलो न्यूटन में निकालना है। इफ यूनिट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। वेट ऑफ बॉडी जो है इक्वल टू हो जाता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ड पोर्शन ऑफ बॉडी। तो ये जो है 0.5 मीटर पोर्शन जो है ये जो इमर्ज है तो इसका जो है वेट ऑफ लिक्विड जो है डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ड पोर्शन ऑफ बॉडी जो हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलिड सबमर्ड। तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 है और वॉल्यूम जो है आ जाएगा वॉल्यूम 2 × 1 × 0.5 क्योंकि इमर्ज जो है पार्ट है डेप्थ जो है 0.5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 किलो न्यूटन जो है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।